नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज मैं आप लोगों के साथ बिहारी अंडे का पाउच बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो पहले हम देख लेते हैं कि अंडे का जो पाउच है उसको बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अंडा चाहिए। तो दो अंडे मैंने ले लिए हैं, बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले ली हुई है, नमक ले लिया है और काली मिर्च को यहाँ पर कूट के ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब पाउच को बनाना। तो पाउच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कलछुल ले लिया है और कलछुल में एक चम्मच सरसों का तेल मैंने डाल दिया है। तो अब यहाँ पे हम अंडे को फोर करके डालेंगे। नॉर्मली जो पाउच होता है वो कलछुल में ही बनाया जाता है, उससे जो पाउच का शेप होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से अंडे को फोर करके हम कलछुल में डालेंगे।